आवाज से ही पहचान लेते हैं कि अरे यू आर नीमा राइट. तो एनी अदर रियलिटी शो लाइक बिग बॉस और झलक आई एम लाइक ओपन फॉर इट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़की को ही स्ट्रगल करना पड़ता है. इनफैक्ट बॉम्बे में लड़कों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. सो स्ट्रगल इज़ देयर, इट्स फॉर एवरी वन, लड़की हो या फिर लड़का हो. एंड इन माई केस जब मैं आई तो आई केम विद नीमा, तो उस वक्त मुझे इतना नहीं करना पड़ा स्ट्रगल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा आसाम से ही सिलेक्शन हुआ था. पर आफ्टर नीमा मुझे वो स्ट्रगल मिला है, मुझे मैंने वो स्ट्रगल देखा है कि लाइक ऑडिशनिंग एवरी डे, यू आर गोइंग टू प्रोडक्शन हाउसेस ऑडिशन के लिए. इनफैक्ट इसके बाद ही मैं जा रही हूँ एक ऑडिशन के लिए. सो या इट्स द स्ट्रगल इज़ देयर. स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, आई से इट्स अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है और इट्स फाइन. मतलब अगर आप उस प्रोसेस से नहीं जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको वैसे ही काम मिल जाए. बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही सुंदर अनुभव है वो मेरा. लाइक इट चेंज्ड माई लाइफ, नॉट इफ नॉट कम्प्लीटली देन एटलीस्ट बहुत हद तक चेंज किया है. सो बॉम्बे में आके ऑडिशन करना, वो एकदम शुरू में आप मतलब ऐसे शेयरिंग करके रहना, वो सारी चीज़ें फॉर्चुनेटली मुझे उतना नहीं करना पड़ा लाइक बिकॉज ऑफ नीमा. सो या आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल टू दैट शो. हाँ नहीं, फैमिली में एक्चुअली रिएक्शन ऐसा था कि सबको प्रैंक लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको असम से बुला के लीड दे देंगे. तो किसी मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था शुरू में. देन व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड आई एक्चुअली वेंट टू द प्रोडक्शन हाउस एंड वी स्टार्टेड शूटिंग, उसके बाद वी रियलाइज्ड कि नो दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ ट्रू. एंड तब उसके बाद फैमिली वॉज वेरी वेरी हैप्पी. तो बहुत खुशी मिलती है जब लोग अभी भी, इट्स बीन अ ईयर ऑलमोस्ट कि हमारा शो हुआ है एंड लोग अभी भी याद रखते हैं. और कभी मैं ऐसे मॉल में जाती हूँ तो मास्क अगर लगाते हैं हम, मैं कभी अगर मास्क लगा के जा रही हूँ तो वो लोग आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि अरे यू आर नीमा राइट. तो बहुत बहुत खुशी मिलती है बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मुंबई में आने के बाद इतनी जल्दी लोग जानेंगे, जो थोड़े बहुत भी लोग जानते. तो या डेफिनेटली फील्स वेरी स्पेशल. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3-4 साल और चले, तो वन ईयर ही चला. बट या इट्स ओके. आई लर्न पॉजिटिविटी अ लॉट फ्रॉम द कैरेक्टर बिकॉज शी वॉज वेरी पॉजिटिव. नो मैटर क्या सिचुएशन हो, कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हो, शी वॉज वेरी पॉजिटिव. सो वो चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिली है. एंड द कामनेस शी हैड, रिलेट मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करती बिकॉज शी वॉज वेरी काम, मतलब हद से ज़्यादा ही काम. मैं उतनी काम नहीं हूँ लाइफ में. एंड कहीं कहीं किसी किसी चीज़ में मैं रिलेट करती हूँ, लाइक द वे शी यूज़ टू वर्क हार्ड एंड आई एम ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. तो इन सारी चीज़ों में आई समवेयर रिलेट टू हर. एंड कहीं कहीं मैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ही चुप रहती, उसमें आई डोंट रिलेट. नहीं, खतरों के खिलाड़ी में आई गेस नो, बिकॉज मुझे पानी का बहुत फोबिया है. मैं पानी के अंदर आई कैन नॉट गो, और मुझे सांप से भी बहुत डर लगता है, लाइक आई पैनिक. तो उस चीज वो शायद मैं नहीं करना चाहूँगी उस शो के अलावा. लाइक एनी अदर रियलिटी शो लाइक बिग बॉस और झलक, आई एम लाइक ओपन फॉर इट. हाँ, तो स्पेशली लाइक बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हमारे लिए भी, हम आसमिस है. पर फिर भी वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा असम में बहुत ज़ोरों शोरों से, धूमधाम से मनाया जाता है. बट दिस टाइम आई एम इन बॉम्बे एंड आई डेफिनेटली मिस अ लॉट विजिटिंग पंडाल्स एंड ऑल. सो आई डेफिनेटली मिस, बट फिर भी बॉम्बे में मैं आई ट्राई कि यहाँ पे जितने होते हैं या फिर जहाँ पे भी होते हैं आई विजिट देयर. माई इंस्पिरेशन विल बी प्रियंका चोपड़ा. आई रियली लाइक दैट वुमन, द वे शी स्पीक्स, द वे शी यू नो होल हर सेल्फ इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग. मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है वो. एंड या अभी आई एम ऑडिशनिंग, जैसे ही मैंने बोला कि आई एम ऑडिशनिंग फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी प्लेटफॉर्म. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लेटफॉर्म करना ही, ये नहीं. सो आई एम, लेट्स सी व्हाट कम्स. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है. एंड आई एम श्योर आगे भी आप लोग देते रहेंगे. आई होप आप लोग आगे भी देते रहेंगे. एंड आई लव यू टू ऑल.